शांतनु महेश्वरी, इस नाम से तो आप वाकिफ हैं ही, मगर रिसेंटली जब इनको हमने बड़े पर्दे पर देखा और क्या कुछ करते हुए देखा, तो इनकी पहचान जो है वो मेरे लिए तो नया है, क्योंकि ये जो बड़ा पर्दा है ये कहीं और ही आपको लेकर जाता है। शांतनु मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, स्वागत है आपका शांतनु इंडिया टीवी पर। थैंक यू। और मैं कहीं पढ़ रही थी, आपने लिखा था द कोट विच यू बिलीव इन, माइकल जैक्सन का कोट था वो। कोट अगर आप ही बताएं तो ज्यादा बेहतर है। द ग्रेटेस्ट एडुकेशन इज टू वॉच मास्टर्स एट वर्क, एंड दैट्स व्हाट आई लिव्ड। यू लिव्ड, वही बात है कि जो इंसान सोचता है ना वो कहीं ना कहीं, वो तो कहते हैं ना कि ईश्वर सुन रहा होता है। Absolutely, I think. तो आपका जो बिलीव है वो आपके जीवन में कन्वर्ट हो गया। हाँ। और आपने देखा ही नहीं, आपने महसूस भी किया और आप उनके उस जर्नी का हिस्सा भी बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो गंगूबाई की जर्नी अगर मैं आपसे पूछूं शांतनु, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट इट, बट स्टिल सो मुझे ये फिल्म का ऑफर जो है ऑब्वियसली थ्रू ऑडिशन के उससे आया था। श्रुति मैम के वहाँ से कॉल आया कि ऐसा ऐसा है, फिल्म कर रहे हैं, आलिया भट्ट के ऑपोजिट एक कैरेक्टर है, सर वॉन्ट्स टू लॉन्च अ न्यू फेस एंड फ्रेश फेस, सो वी आर कंसिडरिंग यू एंड वी वुड लाइक टू यू नो ऑडिशन, आस्क यू टू ऑडिशन फॉर इट। सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, करते हैं, ऑडिशन है, मतलब बुलाया गया है तो बहुत अच्छी बात है। और तब पता था कि आलिया भट्ट के ऑपोजिट है। हाँ, तब पता था आलिया भट्ट के ऑपोजिट है, बट मटीरियल वॉज नॉट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ की कौन सी मूवी है, क्या है, किस बारे में है। गंगूबाई काठियावाड़ के बारे में किसी ने कुछ सुना नहीं था और तब तक अनाउंसमेंट कुछ हुआ नहीं था सच, तो इट वॉज वेरी लाइक बहुत ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी। सो आई मीन लाइक मैं कोई एक पॉइंट में भी लगा कि शायद हो सकता है फेक कॉल हो या कुछ हो, बट आई वाज लाइक नहीं ठीक है, श्रुति महाजन के ऑफिस से आया तो आई मीन आई एम श्योर लेजिट होगा। सो जो गया ऑडिशन दिया, वो मतलब ऑडिशन प्रोसेस जैसा होता है वैसा है। रिसेंटली मुझे पता चला कि बताया कि सर की मॉम ने एक्चुअली मुझे स्पॉट किया था इन्हर टीवी शो, या एंड ही शी रेकमेंडेड सर कि देखो इसमें कुछ लड़के में बात है, एंड यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड दैट्स हाउ लाइक आई वाज। तो इस लड़के में क्या बात है पता नहीं, कुछ आंखों में है कुछ, समथिंग शी सेड या ऐसा कुछ। आई थिंक इट्स द इनोसेंस, या हो सकता जो वो चाह रहे थे, बिकॉज कई बार होता है ना कि विजन, डायरेक्टर का विजन बहुत अलग होता है जो हम समझ नहीं पता, अच्छा ये क्यों है, अच्छा वो क्यों है। कई सवाल उठे थे, आलिया भट्ट तो बहुत छोटी लगेगी इस रोल के लिए, ये तो मतलब हर इंसान यही कहता था, अच्छा रोल तो बहुत अच्छा है, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, लेकिन पता नहीं उसमें बहुत छोटी लगेगी, बहुत छोटी लगेगी, बहुत मतलब वो फेस नहीं है। लेकिन वही था मैंने कितने जन को कन्विंस किया है ये बोलने के कि भाई आप टीवी पहले आप देखो, मतलब क्या है, सिर्फ टीजर के बेसिस, टीजर के बाद ये ज्यादा बातें होने लगी। तो मैंने यही बोला लोगों को कि भाई आप पहले देखो मूवी, एक तो लोगों को पता नहीं कि जर्नी कितने एज की है, तो बाई डिफॉल्ट जस्ट बिकॉज इट्स गंगूबाई काठियावाड़ी एंड लोगों को लगता है कि उनकी जो एक इमेज थी वो बहुत ही ओल्ड एज की थी, सो उस टाइम का हम जा ही नहीं रहे थे उसमें, तो विदाउट इवन नोइंग पीपल स्टार्टेड कि नहीं नहीं बहुत यंग है, विदाउट नोइंग देयर स्टोरी, हर स्टोरी। सो आई मीन इवन आई ट्राई टू कन्विंस लॉट ऑफ पीपल कि आप पहले देखो, व्हाई यू जजिंग, वेट 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 टिल द टाइम यू सी। सो या आई मीन या यू एब्सोल्युटली राइट, बहुत पहले से लोग ने जज करना शुरू कर दिया था। सो या बिल्कुल, और जब पहली बार फिल्म लगी और मुझे लगता है कि फर्स्ट शो से ही वो व्यू पॉइंट चेंज हो गया जैसे ही लोगों ने फिल्म देखना शुरू किया, और अब भी मतलब आफ्टर पैंडेमिक गाइज, मतलब मैंने कल मेरे एक फ्रेंड गए थे, उन्होंने बताया कि 90% जो ऑडियंस थी वो औरतें थी, और थिएटर भरा हुआ है, लोग देख रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर थिएटर व्यूअर्स ऑल्सो एंड फॉर But the business to start again, I mean, it's such a big business, the big part of the business, जो कि ठप पड़ा हुआ था, नहीं चल रहा था, बहुत वेट कर रहे थे लोग भी, I mean, थिएटर वाले की ऐसी पिक्चर दो ताकि लोगों को घर से बाहर निकाला जाए, पीपल इतने लाइक एवरी वन इज सो कंफर्टेबल कि अब हमें टीवी पे ही देखना है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखना है, तो उनको बहुत डिफिकल्ट था कि एक ऐसी मूवी आए जो उनको बाहर निकाले, एंड आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से भी काफी अप्रिसिएशन मिला है गंगूबाई को, तो लोग भी निकल कर एक बार, एंड एक परसेप्शन था कि ऐसे टॉपिक पे है तो हो सकता है कि फैमिली फिल्म नहीं है, सो वील वेट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एज आई सेड कि लाइक लोग जब बात करने लगे कि
there's nothing vulgar about it. It's a family entertainer, exactly. and at the same time, it has a message, and it leaves you with a thought, a question, a very, very prominent question. Ki, हाँ एक्चुअली हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग सो एंड इट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी सीन्स व्हिच आर सो रिलेटेबल कि आपको लगेगा कि हाँ एंड नॉट जस्ट फीमेल आई मीन आई हैव सीन बॉयज मेन बिट टियरी एंड यू नो सो एब्जॉर्ब्ड इन दोस सीन्स कि हाँ यार ये गलत होता है ये गलत होता है वी आई रियली होप एंड आई रियली विश कि लोगों का कुछ के जहन में थोड़ा बदलाव तो आए हाँ बिल्कुल you know? बिल्कुल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट या कि थोड़ा सा अगर बदलाव आता है तो हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है कि वो थॉट प्रोसेस को चेंज करना इज नॉट एन इजी थिंग अब सब पूछते होंगे आलिया भट्ट के साथ काम करना कैसा लगा क्योंकि वो भी जब आई थी तो मैंने पूछा था कि तुम किसको देखकर मतलब शी वाज अ ह्यूज फैन ऑफ करीना कपूर सो वो करीना करीना एंड देन रणबीर एंड ये सब था उसका तो जब आप आए हो ऑब्वियसली आपके लिए फिल्म नया मीडिया हाँ, नया नहीं है आप हाँ, जुड़े हो लोगों से बट व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग विद हर वाज दैट एनी इनहिबिशन और यू नो जब आप या तो फिर एक्टर एक्टर होता है व्हेन यू आर जब फ्लोर पे है तो फिर कौन तुम कौन मैं कैरेक्टर तुम भी कैरेक्टर हाँ, हाँ, तो ये सब कुछ हुआ क्या कुछ हुआ नहीं आई मीन आई वाज वेरी कंफर्टेबल आई मीन इट एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम हर बिकॉज़ obviously she being Alia Bhatt she doesn't carry that image मतलब वो उनको वो very बिल्कुल normal भी girl. very normal exactly so जब मैं पहली बार भी उसे मिला तो मतलब very normally जैसे greet करते हैं it feel like कि वो भी fresh है you know एक वैसा vibe देती है कि ऐसा नहीं देती है कि मैंने इतनी films कर चुकी हूँ और मैं इतने awards जीत चुकी हूँ बिल्कुल भी ऐसा vibe नहीं है and that is something that is a beauty that something that I learnt like you know no matter what you achieve no matter what you become in life where you are it's very important to make The person who you are with, comfortable, and she made sure that I'm comfortable, and so that मैं अच्छे से अपना performance दे सकूं. And उसको भी पता था कि मेरे लिए बहुत बड़ी opportunity है. I'm debuting in this film, and Sora has chosen me. So she was very helpful, and she was very sweet throughout. मेरी जान जो गाना है, I think अब ये love songs में ये include हो गया है सबके. कई बार हम सुन चुके हैं इसे तो वो और उसकी कोरियोग्राफी के बारे में अगर बात करें हाँ. या तो फिर वो गाना नया हसीन आई थिंक ना सीन के साथ हाँ, वो गाना शुरू होता है वन शॉट है वो हाँ सो हाउ वाज इट व्हाट आई मीन कितना इन्वॉल्वमेंट संजय सर का था इन कोरियोग्राफी में बिकॉज ही इज अ ग्रेट कोरियोग्राफर आई मीन क्या बोलूं मैं सो हम लोग की 2 दिन की रिहर्सल हुई थी एंड हम लोग सोफे में ऐसे छोटे से सोफे में बैठ के रिहर्सल कर रहे थे एंड सर की सर एंड कृति दे वर ब्रेनस्टॉर्मिंग Alia was also there, I was also there. We all were performing and getting the right moments. कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कटना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. And वो जो 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 सर का brainstorming session था ना वो बहुत अलग था. It's something that I can't describe कि कैसा था वो, क्या feel था. एक point ऐसा था जहाँ पे सर एकदम कुर्सी लगा के यहाँ पर बैठे थे and कृति और मैं थे Alia was also watching to understand ki aur kya ideas aayega Gangu kaise karegi kya nahi karegi so you, like I was there Kruti was here and so I was sitting this close and sir ne bola gana chalao and he started giving us instruction acha abhi ye karo abhi wo karo abhi yahan se kuch karo abhi ye movement karenge abhi ye movement karenge so that was something that was beautiful I've never experienced something like that and best part is you broke that thing ki I am a dancer Yeah, आपने yeah, yeah. वो फॉलो किया जो उनका विजन बिल्कुल मेरा सबसे बड़ा जो प्रेपरेशन था वो यही था कि एक तो अनमाइंड हाँ अनमाइंड एंड लाइक ऑब्वियसली थिंक एज अफशान उसका थॉट प्रोसेस पकड़ लो एंड देन जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू सर लेट हिम गाइड यू एंड डू व्हाट ही वांट्स टू डू विद द कैरेक्टर बिकॉज वो समटाइम्स बहुत ज्यादा हम बैगेज लेकर जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसा करना है एंड वो आई मीन ही इज वही तो कह रही हूं मतलब हाँ, वो अनवाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है एंड सो या वही हुआ कि जब वो सर जो वो करवा रहे थे एंड लाइक ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं ये करते हैं व्हाट वाज योर फेवरेट स्टेप और व्हाट वाज योर फेवरेट सो एक एक पॉइंट था जो नहीं हुआ वो भी बहुत एक अच्छा मोमेंट था जहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो डांस करती है हल्का हल्का और मैं भी ऐसे 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 गाड़ी में डांस करता हूँ बट वो पॉइंट हमने नहीं रखा बिकॉज वी हैड बेटर मोमेंट्स सो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जो बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे बट वी डिडंट यूज देम बट आई एम जस्ट ग्लैड दैट व्हाटएवर वी यूज्ड इट इट वर्क्ड फॉर अस की जिंदगी कितनी बदल गई हाँ मतलब मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि भाई मतलब इतना एक्सपोजर मिलता है एक फिल्म का
इज नॉट समथिंग आई हैड इमेजिन, आई हैड नॉट इमेजिन. एक तो नया लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम एक्टिंग भी इतनी अच्छी करते हो, हमको नहीं पता था. अच्छा हमको हमको वो तो सिर्फ डांसर डांस करते हो या फिर खतरों के या खिलाड़ी? मतलब इतने इतने प्रोजेक्ट्स किए मैंने पहले भी कुछ कुछ, बट ऑब्वियसली इट हैज अ डिफरेंट इंपैक्ट, इट हैज अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर. बट या इट्स ओवरवेलमिंग, इट्स ओवरवेलमिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग एंड एंड लवली विशेज एंड लवली मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग. सो ऑब्वियसली एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई एम जस्ट हैप्पी कि Sir was very happy with my work, and the close ones who I really, my friends and my family, जिनके जिनके opinion मुझे बड़े मायने रखते हैं कि उनका वो सच बोलेंगे मुझे. They will be overwhelmed कि हाँ मतलब अच्छा लगा तेरे को पर्दे पे देखकर, big opportunity for you. But अगर काम नहीं अच्छा लगा तो उतने equally बोलेंगे, इतने frankly बोलेंगे, and they have really loved it. So I'm very happy. Who's your best critic? My best friend. My best friend, Palki. Palki. क्या बोला उन्होंने? She was very happy. She was like कि I didn't think कि तुम लोगों की इतनी अच्छी chemistry होगी, and she said I love the way. हाँ वो chemistry बड़ी अच्छी बन क्या ही है. हाँ. लग ही नहीं रहा कि that you guys are working for the first time. Yeah, so that's what she said. कि ऐसा लगा नहीं कि वो being such a senior actor. मतलब आपको आपने आलिया को इतने लोगों के साथ देखा है एंड आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, इट डिडंट सीम लाइक दैट. ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है, मतलब यू नो अलग केमिस्ट्री है, दिस जोड़ी हमने कभी सोचा नहीं था, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट यू हैव डन. सो या लवली, आई एम श्योर कि अभी आप इस मोमेंट को ही एंजॉय कर रहे होंगे. हाँ, अगला काम पार्टी वार्टी और छुट्टियों के बाद ही शुरू करेंगे. यस 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 बिल्कुल. तो जैसे ही कुछ साइन करें हमें बता दीजिए. बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन है. थैंक यू सो मच. क्योंकि सच में काम निखर के आया है, खो जाते हैं लोग, लेकिन आपने वो पहचान बना दी. थैंक यू सो मच एंड कमिंग फ्रॉम यू इट मीन्स अ लॉट, बिकॉज आप बहुत सीनियर हो मेरे से एंड यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आपने देखा है लोगों को डेब्यू करते हुए, लोगों का राइज फॉल, वॉट एवर यू से, सर्वाइवल. एंड आई एम सो हैप्पी दैट that you appreciated my work, so really means a lot. Thank you. I'm sure बहुत लोगों ने आपको बोला होगा. हाँ, but आप लोग senior लोग जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है यार. मतलब कि मतलब आप लोग ने देखा है यार, आप लोग हर Friday को कोई ना कोई नया review देते हो, तो I mean obviously. मैंने बोला ही था इसकी innocence ने इसको picture दिला दी है. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.